राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आप हरियाणा कॉलेज को जो एडमिशन की मेरिट लिस्ट लगने वाली है उसके बारे में, कि भाई किस कॉलेज में ज्यादा मेरिट लिस्ट लगेगी, मतलब हाई मेरिट लिस्ट किस पे ज्यादा जाएगी, किस कॉलेज में आपकी कम परसेंटेज पे भी एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपके कॉलेज में जो जितनी सीटें उनके ऊपर जो फार्म भरे गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको बताया जाएगा। ठीक है, पिछले साल भी मैंने यही चीज बताई थी, अब की बार भी न्यूज पेपर में ये चीज आ गई है। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं कि आपका जो हरियाणा में सबसे ज्यादा कंपटीशन होने वाला वो होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज हिसार और पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। इन दो कॉलेजों में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहेगा मेरिट के ऊपर। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आज की जो न्यूज की हेडलाइन है इसमें बताया गया है 11 कॉलेज जो कि 13,908 सीटों पर 50,774 छात्रों ने किया आवेदन, 12 को लगेगी पहली मेरिट लिस्ट। तो इसमें मेनली ये बताया गया कि आपके जो मतलब 13,000 ही सीट है और लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा आपके जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो सभी का तो एडमिशन होगा नहीं, सिर्फ होगा 13,908 का ही। तो बता दो किस कॉलेज में कितना कंपटीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका पहले नंबर पे जो कॉलेज है कंपटीशन के मामले वो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। इसमें भाई नेकीराम कॉलेज से भी ज्यादा आपके फार्म भरे गए, पिछले साल भी ऐसे थे, उससे पहले नेकीराम पहले नंबर पर था लेकिन अब आपका पहले नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार आ रहा है। ठीक है, तो पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में 2160 सीटें हैं और इसमें आपके लगभग 18,589 फार्म भरे गए। ठीक है, तो ये फार्म भाई आपके भरे गए, तो इसमें से सिर्फ ये देख लो कि आपका जो कंपटीशन है वो मतलब 9 गुना ज्यादा फार्म भरे गए हैं। ठीक है, तो आपका कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा हाई रहेगा। उसके बाद आपका जाट कॉलेज जो रोहतक का है उसमें आपकी 2,500 सीटें और 8,817 फार्म भरे गए, इसमें कंपटीशन नॉर्मल रहेगा। ठीक है, लेकिन कंपटीशन बहुत है इसमें भी भाई। उसके बाद गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज जो आईसी कॉलेज आपका रोहतक का, उसमें भी आपका कंपटीशन है, वो भी लगभग 3-4 गुना फार्म भरे गए ज्यादा, तो इसमें भी रहेगा। उसके बाद सैनी कॉलेज में भी ये है कि आपके 3 गुना ज्यादा फार्म भरे गए सैनी कॉलेज के लिए भी। उसके बाद आपके राज्य गवर्नमेंट कॉलेज जो सांपला है उसमें आपके 320 सीटें हैं और आपकी 1,060 फार्म भरे गए हैं। गोड ब्राह्मण कॉलेज में भी ऐसा ही है कि 1,240 आपकी सीटें हैं और 2,481 फार्म भरे गए हैं। ऐसे मतलब वैस कॉलेज का भी देख सकते हो आप। उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज जसिया इसमें कंपटीशन कम है भाई, आपका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद जो हिंदू कॉलेज है उसमें आपका कंपटीशन नॉर्मल रहेगा। ठीक है, इतनी तो भाई सीटें भरते ही हैं। ठीक है, उसके बाद किशोरी कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा आराम से, अगर किसी लड़की को एडमिशन लेना है तो जो वेस्ट गर्ल्स कॉलेज है उसमें भी हो जाएगा। तो इसमें मतलब ये है कि आपके जो मेन जो आपके हाई रैंक कॉलेज हैं, ठीक है, वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हिसार, पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, जाट कॉलेज रोहतक और उसके साथ साथ आपका एक दो कॉलेज और है जिसमें आपका कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। जिन बच्चों के मतलब बढ़िया मेरिट आपकी 90 से ऊपर है वो इन कॉलेजों में एप्लीकेशन के लिए मतलब कर सकते हैं, पहली ना तो दूसरी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी बच्चे कम नंबर है तो भाई वो नीचे वाले जितने कॉलेज है इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बताना था। उसके बाद बात कर ले कि आपका कॉलेज का जो शेड्यूल क्या रहेगा। ठीक है, आपकी पहली मेरिट लिस्ट लगेगी 12 तारीख को, उसकी फीस जमा करवानी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी आपको 13 से 16 अगस्त तक। उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट 19 को लगेगी, 20 से लेकर 23 अगस्त तक आपको इसकी सारी की सारी फीस और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद 22 अगस्त को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट लगी है जिन बच्चों की, और जो खाली सीट बच गई है जिन भी उसको 26 अगस्त को आपकी पहली ओपन काउंसलिंग होगी। उसके बाद आपकी 28 या 29 तारीख को दोबारा से ओपन काउंसलिंग होगी। तो आज की वीडियो में यही बताना था, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। किसी का डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह के लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आपकी हेल्प जरूर करेंगे भाई। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।